नमस्कार दर्शकों, T20 सीरीज के बाद अब ODI सीरीज के लिए श्रीलंका ने ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद आज एक बड़ी अपडेट आई है। मथिशा पथिराना और दिलशान मधुशंका भी टीम से बाहर हो चुके हैं। मथिशा पथिराना को आखिरी T20 मैच में हम शोल्डर इंजरी से जूझते हुए देख चुके थे, जब उन्होंने फील्डिंग के टाइम उनका हाथ मुड़ चुका था, तो अब वो ODI स्क्वाड से भी बाहर हो चुके हैं। वहीं पर दिलशान मधुशंका की तरफ से भी न्यूज़ आई है कि उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है और वो भी अब ODI स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में दो बड़े प्लेयर का जाना श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि T20 टीम उतनी अच्छी नहीं थी इंडिया की, बट फिर भी इंडिया ने 3-0 से स्वीप किया श्रीलंका को। और अब तो ODI टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और KL राहुल जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर आ चुके हैं, और ऐसे में श्रीलंका के दो प्राइम बॉलर का बाहर जाना श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। पिछले कुछ समय पहले भी श्रीलंका के दो और बड़े बॉलर्स की इंजरी की वजह से भी वो टीम से बाहर हो चुके थे, दुष्मंत चमीरा जो जिनको इलनेस की वजह से बाहर होना पड़ा था, और नुवान तुषारा, वो भी इलनेस की वजह से टीम से बाहर हो चुके थे। और अब मथिशा पथिराना और दिलशान मधुशंका भी टीम से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में श्रीलंका टीम के लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अब वो किसे खिलाएंगे आगे इंडिया के प्राइम बैट्समैन के सामने, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स के सामने। तो ऐसे में श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने दो अनकैप्ड प्लेयर को टीम में शामिल किया है। एक है ईशान मलिंगा और दूसरे हैं मोहम्मद शाहराज। ईशान मलिंगा और मोहम्मद शाहराज ने सिर्फ T20 मैचेस ही खेले हैं और ODI में उनका अचानक से डेब्यू किया गया है। ऐसे में उनके लिए भी एक ये खबर है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अचानक से उनका टीम में ऐड होना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है आगे चलकर। श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी ये खबर आ रही थी कि प्लेयर्स को ज़्यादा बैक नहीं दिया जा रहा था, उनको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में ये भी एक खबर हो सकती है इलनेस के कारण या फिर इंजरी के कारण, लेकिन अब मेन चार बॉलर जब श्रीलंका के बाहर हो चुके हैं तो श्रीलंका की कमान अब कौन संभालेगा? आपकी क्या इस चीज़ को लेकर आए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।